सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सब समय की बात है और समय कभी एक जैसा नहीं रहता। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, आज अनीता जी का वीडियो आया है। अनीता जी ने बताया कि भैया, मैं जितना परेशान हूँ, अगर मैं चाहती, मुझे व्यूज चाहिए होता तो मैं रोज़ रोज़ रोने धोने वाला वीडियो डालती। लेकिन अनीता जी ने कहा कि ना ना, मेरा तो कंटेंट ना था कभी रोने धोने वाला। मैं तो हमेशा खुशियाँ फैलाने वाला वीडियो बनाती थी, तो मैं कभी भी ऐसा कंटेंट नहीं दूंगी। भैया वही बसंती जी जो रोज़ रोने धोने वाला कंटेंट हमें देती हैं, इससे तो क्लियर हो गया कि बसंती जी का रोने धोने वाला कॉन्टेंट है। अनीता जी ने कहा कि कुछ चीज़ें जिंदगी भर याद रह जाती हैं। हाँ भैया, ऐसा दुर्घटना हो तो किसको ना याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। और जिसके कारण ना कभी ये जो होता है ना दिल, वो दिल ये चीज़ को याद करेगा और बसंती के ऊपर कभी भी वो वाला जो होता है ना प्यार नहीं आ पाएगा अनीता जी का, देख लीजिएगा आप लोग। और हाँ, अनीता जी ने ये भी कहा कि भैया, खुशियाँ तो ढूंढने से मिलती है। अनीता जी इस परेशानी में भी खुशियाँ ढूंढ रही हैं, बिल्कुल सही। ऐसे ही खुशियाँ ढूंढिए और खुश रहिए, और हमें भी खुशियों वाला वीडियो दीजिए अनीता जी, यही कहेंगे। और अनीता जी ने हम सबको ढेर सारी दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं। आई होप अनीता जी, आपका भी दशहरा बहुत अच्छा रहा होगा। आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से दुर्गा पूजा मनाई होंगी, दशहरा मनाई होंगी, जो है देखा जाएगा। अनीता जी ने ये भी कहा कि भैया, दुख के घड़ी में ही पता चलता है कि कौन है अपना और कौन है पराया, और इसी में आपके सगे कौन है, इसी में पता चलता है। अनीता जी को पता लग रहा होगा, भैया गांव गई थी अभी, और जितने भी नाते रिश्तेदार हैं उन लोग से, उन लोगों का भी असली चेहरा अभी खुल गया होगा अनीता जी के सामने। कौन उनके लिए स्टैंड ले रहा है, कौन उनके लिए खड़ा है, भैया इसी में तो पता चलता है। अनीता जी को ये सब बातें सब खल रही हैं, इसलिए ये सब बातें कह रही हैं। अनीता जी ने कहा कि बेगुनाह होते हुए भी हम गुनाहगार बन गए हैं। अभी हम लोगों को समय लग रहा है, बेगुनाह साबित होने में समय तो लगेगा। माता रानी सब देख रही हैं, सही बात है। बेगुनाह तो आप साबित होंगी 110% हम कहते हैं, क्योंकि आपने कोई गुनाह किया ही नहीं। ये सब हम लोगों को साफ दिख रहा है अनीता जी, ये कहने की तो कोई बात ही नहीं है। और ये बसंती, बसंती को तो रोना कहीं वो 7 साल वाली सजा के कारण तो नहीं आ रही है कि जब कोर्ट को गुमराह किया जाता है, कोर्ट का समय बर्बाद किया जाता है, तो कोर्ट ऐसे थोड़े ना छोड़ देगा। कहीं ये बसंती रानी ना चल जाए 7 साल की सजा में, इसलिए रोना तो नहीं आ रहा बसंती को। बसंती जी देखिए आगे आगे क्या होता है, बहुत आपने गुल खिलाया है इस यूट्यूब पे, और जो फेमस हुई हैं भैया, हाय हाय हाय, चीरहरण करवा के। और अनीता जी के वीडियो से कल पता चला है कि भैया ये कोर्ट कचहरी में जाके क्या क्या कही हैं, कि ये समाज सेवा करती थी, हमें तो पता ही नहीं था। कह रही थी कि इनके साथ वही लकी, ललित और लाला जी ने कई बार इनका चीर हरण किया, लेकिन ये कुछ नहीं बोलती थी, समाज सेवा करती थी। लेकिन पता ना इनका दिमाग क्यों ठनका, एक दिन कोर्ट कचहरी जाके बोल दी कि ना भैया, मेरे साथ तो ये बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए अब मैं शिकायत लगाने आई हूँ। बसंती जी, आप इतनी बड़ी समाज सेविका हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अनीता जी ने बताया कि अभी उनका जो केस का प्रोसेस चल रहा है, कोर्ट कचहरी वाली बातें वो अभी खुल के नहीं कह सकती हैं। भैया कोर्ट कचहरी के मामले बड़ी पेचीदा होते हैं। अच्छा अनीता जी ना बताइए। और अनीता जी ने बताया कि ये सब जितना भी प्रोसेस है ना, ये सब आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। कभी किसी को बसंती जैसे मिल जाए तो भैया आप उस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं। बहुत अच्छा करेंगी अनीता जी आप जब ये शेयर कर देंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को ना किसी को बसंती जैसे तो मिल ही जाएंगे। दो चार नहीं भैया, एक ही बहुत हैं। एक मिल आपके इस केस से, उनको भी कुछ सही जानकारी मिल जाएगी। अभी आप इतना परेशान हो रही हैं, आप उनको तो सही सजेशन दे सकती हैं कि भैया ऐसे इस रास्ते जाइए, इस रास्ते जाइए, हम लोग ऐसे गए थे तो ठीक हुए थे। भैया मोटा मोटी समझा रहे हैं, कोर्ट कचहरी की उतनी डिटेल हमको नहीं पता है, उतनी धाराएँ नहीं पता है, तो जो मेरा साधारण लैंग्वेज है उसी में बोल रहे हैं। पिताजी कहें कि भैया मैं सारा राज यहाँ खोलूँगी, सारा षड्यंत्र लेके आऊँगी, किस तरह से मुझे फंसाया गया है। बसंती जी सतर्क रहिएगा, अभी आपकी अभी और वाट लगने वाली है इस यूट्यूब पे।
अभी आपकी और छीछा लेदर होने वाली है। बसंती जी इस यूट्यूब पे कितना भी बाबू जी का सेवा कर लीजिए, मालिश कर लीजिए, रगड़ रगड़ के तेल लगा लीजिए कैमरा पे, कुछ नहीं होने वाला है। आप सबकी नज़रों से गिर चुकी हैं। और अनीता जी ने कहा कि हमारा क्या क्या लॉस हुआ है भैया, वो भी बताएंगे। सही बात है, मुसीबत कभी एक तरफ से नहीं आती है, चारों तरफ से आती है। भैया अनीता जी के ऊपर अभी बहुत सारे मुसीबत आ गए होंगे, अब अनीता जी धीरे धीरे अपने वीडियो में क्लियर करेंगी। अनीता जी ने ये भी कहा कि भैया वीडियो एडिट करने के लिए भी उनको टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत मतलब बच्चे भी परेशान हैं, वो तो खुद परेशान हैं ही। और ये भी कहा कि अपना घर अपना होता है, ये बात मैंने पहले ही कहा था कि अपना घर अपना होता है। किसी और के घर में आप रहिएगा तो थोड़ा सा आपका जो टाइमिंग है ना काम करने का, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और आप प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं। अनीता जी यही कहना चाहेंगे, परेशानी सबके लाइफ में आता है, लेकिन आप यही भगवान से कामना करिए, भगवान का शुक्रिया करिए कि आपकी फैमिली अभी आपके साथ है, आपका